हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड करके अगर आपके भी मोबाइल में अगर दोस्तों आया रहेगा तो इसको कैसे हटाएंगे दोस्तों, और ये क्यों आता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आया हुआ वो क्यों आता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर जीमेल आईडी अगर आप लोग डिलीट किए रहेंगे या तो फिर कोई पासवर्ड वगैरह चेंज किए रहेंगे तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका जो अगर आप लोग डिलीट कर दे रहेंगे पासवर्ड ये जीमेल आईडी तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप टैप करेंगे तो वही जीमेल आईडी को यहाँ से रिकवर कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हटाएंगे कैसे। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ से आपको बैक करके और आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना पड़ेगा। और सेटिंग में जाएंगे दोस्तों तो नीचे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप लोग को अकाउंट एंड चेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स में। तो वहीं पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को गूगल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गूगल वाले में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग के मोबाइल में जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों उसको यहाँ पे फाइंड कर लेना कि वो कौन सा जीमेल आईडी है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को जब लॉगआउट कर दोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जीमेल आईडी है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को मिल गया तो उसी पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मोर वाले में क्लिक करेंगे दोस्तों और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आया हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने का दोस्तों फिर यहाँ पर एक बार मोर वाले में क्लिक करके दोस्तों और यहाँ से फिर जो सेंस नो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक कर लेंगे दोस्तों उसके बाद ऊपर का आप देख सकते हो कि हट जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप अपने बहुत आसान तरीके से इसको हटा सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।